हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ चना दाल के पराठे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये बहुत ही डिलीशियस और हेल्दी होते हैं। तो मसाला बनाने के लिए मैंने एक बड़ी साइज की प्याज ली है, 4 से 5 हरी मिर्च और 4 से 5 ही लहसुन की कलियाँ ली हैं, जैसे बारीक बारीक कट कर लिया। चलिए अब दाल की प्रिपरेशन देख लेते हैं। मैंने दाल को 2 घंटे के लिए सोक करके रखा था, उसके बाद मैंने 2 सीटी लगाकर इसे उबाल लिया है थोड़ा सा पानी डालकर। ठंडा हो जाने के बाद मैंने इसे ग्राइंडर में पीस लिया है। मैंने इसे ज़्यादा बारीक नहीं किया है, थोड़ा सा मोटा मोटा रखा है। पराठे बनाने के लिए हमने सिंपल आटा लिया है, जैसे रोटी बनाने के लिए लेते हैं। चलिए मसाले की तैयारी कर लेते हैं। चना दाल में हम लहसुन, हरी मिर्च और प्याज डाल देंगे। इसके बाद हम मसाले देखते हैं। 1.5 चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है, 2 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 3 चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे। इसमें हम इतने ही मसालों का यूज़ करेंगे। इसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे दाल के साथ मसालों को। मसाला बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसके बाद हम पराठे की तैयारी करते हैं। हमने एक लोई ले ली है, उसे सूखे आटे में लपेटकर अच्छे से बड़ा कर लेंगे हाथों से। और इसके बाद हम इसमें मसाला भरेंगे। 3 से 4 चम्मच हम मसाला डाल के इसे अच्छे से बंद कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हल्के से उठाते हुए हम इसे बंद कर लेंगे। अब इसे टैप करते हुए मसाले को अच्छे से सब में फैला लेंगे। देखिए इस तरीके से सूखे आटे में लपेट कर इसको अच्छे से बेल लेंगे हल्के हाथों से। देखिए इस तरीके से हल्के हाथों से हम इसे बेल लेंगे। बहुत ही आसानी से हमारा पराठा बिल के तैयार हो जाएगा, फटेगा नहीं। देखिए पराठा बिल के तैयार हो चुका है। अब इसे सेकते हैं। मीडियम आंच पर हम इसे अलटते पलटते अच्छे से सेक लेंगे। एक साइड से ये हल्का सा सिक चुका है। अब हम इस पर ऑयल लगा देंगे और दूसरे साइड से भी हम इसे पलट के ऑयल लगा देंगे इस पर। अलटते पलटते इसे मीडियम आंच पर अच्छे से कुरकुरा होने तक सेक लेंगे। देखिए हमारा पराठा बिल्कुल सिक के तैयार हो चुका है। गाइस अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही अच्छी अच्छी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए पराठे बनके बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आप भी इंजॉय